गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल एक बड़ी खबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी रिलेटेड टू मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर पास में ही एक स्कॉर्पियो मिली थी जो कि अनआइडेंटिफाइड थी, और जिसके चलते एक बड़ी खबर निकल कर आई कि संदिग्ध विस्फोटक भी उसमें अवेलेबल था। कुछ खास बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं इस न्यूज़ से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन कुछ सवाल है मेरे मन में भी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल क्या है वो खास बातें वो मैं आप लोगों को बता दूं, और क्या है पूरी खबर वो मैं आप लोगों को बता दूं। खबर ये है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस ने सूत्रों के हवाले से स्कॉर्पियो में एक चिट्ठी मिलने की जानकारी भी दी है जिसमें अंबानी परिवार को उड़ाने की धमकी दी गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में मिले बैग पर मुंबई इंडियंस लिखा था। इसके साथ ही धमकी देते हुए कहा गया कि तुम और तुम्हारा परिवार संभल जाना, तुम्हें उड़ाने का पूरा इंतजाम हो गया है। जो खास बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है कि कार चोरी की है ये खबर आ रही है। कार दूसरे राज्य से महाराष्ट्र आई, कार से मुंबई इंडियंस के बैग, जिलेटिन विस्फोटक स्टिक, धमकी भरा पत्र मिला पर मुकेश अंबानी और नीता को संबोधित करके लिखा पत्र में। गाड़ी में 20 जिलेटिन स्टिक मिली। जिलेटिन स्टिक पर नागपुर की कंपनी का नाम है। पिछले एक महीने से चल रही थी प्लानिंग। अंबानी परिवार की हलचल पर नजर रखकर उनके गाड़ियों की नंबर प्लेट की डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाई गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले एक महीने से प्लानिंग चल रही थी, ये कैसे पता चला? गाड़ी को घर के और भी नज़दीक रखना चाहते थे पर सिक्योरिटी की वजह से वो आगे नहीं रख पाए। ये भी एक सवाल है कि ये कैसे पता कि वो वहीं आसपास ही और रखना चाहते थे। खैर, अब तक 9 लोगों से पूछताछ हुई है। 2 लोगों से काफ़ी देर तक पूछताछ हुई है। हालांकि जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनसे गवाह के तौर पर ही बात की गई है। हाजी अली के सिग्नल के पास स्कॉर्पियो 12:20 पर देर रात पर 10 मिनट रुकी थी। स्कॉर्पियो चालक आगे के गेट से ना उतर कर पीछे गया और पीछे की सीट से उतरा, सिर झुकाकर फुटपाथ पर गया। वहीं एक शॉप के सीसीटीवी फुटेज में उस दुकान के डीवीआर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है। स्कॉर्पियो चालक बाहर निकलने के बाद झुक झुक कर चलने लगा और कुछ देर जाने के बाद वह वहां से गायब हो गया। पुलिस संदिग्ध की तलाश में अन्य इमारतों और दुकानों की सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है। महाराष्ट्र ATS दूसरे राज्यों के खुफिया विभाग से भी संपर्क में है, ये खबर आ रही है। तो ये एक खबर जो निकल कर आई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में आए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या मुकेश अंबानी के लिए मुंबई सेफ नहीं है? मुकेश अंबानी को धमकी देने का मकसद किसका और क्यों? वहीं टूलकिट मामले में आप लोगों ने 2 फैमिलीज के नाम देखे होंगे, अंबानी और अदानी। दोनों के नामों का जिक्र किया गया था टूलकिट में। तो क्या है पूरा माजरा ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है मंशा जिन लोगों ने ये हरकत की है। कुछ खास बातें फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।